मैं चैनल देखो आज है दिवाली तो सबसे पहले तो मैं आपको दूंगी दिवाली की बधाइयाँ। अब दिवाली की तो बधाई आपको दे दी, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा आज का एपिसोड है एक स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम है दिवाली सेलिब्रेशन एंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की तरफ जो कि अपने को किचन में जाएंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के लिए मैंने आज क्या क्या पकवान बनाए हैं। पकवान बनाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी मैं घर की कैसे सजावट कर रही हूँ, कहाँ लाइटें लगी हैं, कहाँ फूल सजाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन की तरफ। बात और अगर आपको जूनियर पुष्पा से मिलना है तो मेरे साथ में मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने किचन में। अभी मैं दिवाली पर अपने होम टाउन में आई हुई हूँ तो मेरे होम टाउन का एक छोटा सा किचन है। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये है मछली, ठीक है। तो मछली मैंने दो तरीके से बनाई है। ये जो मछली है ये नॉर्मली अचार के साथ में खाते हैं, गर्म मसाले का अचार हो कोई भी अचार हो, ठीक है। तो ये तो होगी अचार वाली मछली। और ये दूसरी तरह की मछली है जो कि आप चाय के साथ में या कभी भी आपको भूख लग रही है तो आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए एक तब मैं बना रही थी मछली और जब तक मछली बन रही थी मैंने सोचा शाम के छोले भटूरे की भी तैयारी कर लो। तो ये देखिए मेरे छोले उबल चुके हैं। छोले भटूरे के साथ साथ मैंने ये मूंग के दाल की कचौड़ी बनाऊंगी शाम को, उसकी भी तैयारी कर ली है। ये मैंने मूंग की दाल गला दी थी, अभी मैं इसको पीसूंगी, इसमें सारे मसाले डालूंगी, भूनूंगी और फिर इसकी शाम को बनाएंगे गर्मा गर्म कचौड़ी। अब नमकीन के बाद में आती है मिठाई। मिठाई में मैंने बनाया है एक तो ये गुलाब जामुन, उसके बाद में ये है बेसन का लड्डू और ये है स्पेशल मिठाई जो कि एप्पल के शेप की है लेकिन ये बनी है काजू से। कोई भी अपना जो त्यौहार होते हैं वो खीर के बिना तो बिल्कुल अधूरी रहती है, उसकी मिठास आप कोई भी मिठाई बना लीजिए। तो ये बनाई है मैंने चावल की खीर। तो चलिए अब किचन का काम खत्म करके आ चुके हैं घर के बाहर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बाहर क्या डेकोरेशन और लाइटिंग की है। तो सबसे पहले मुझे लगाना है ये सारे जितने भी गेट हैं उनके ऊपर मालाएं। हाँ बम जला नंदिनी में बम जलाएगा, बम जला नंदिनी। प्लीज प्लीज कागी कागी कर दो।